नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार टेट 2017 की परीक्षा में जो अभ्यर्थी असफल हो गए, फाइनली कहा जा सकता है कि फेल अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जज बदलते ही एक बिहार टेट में असफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा तोहफा मिला है। आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर को, जैसे कि आप सबको जानकारी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी समान काम समान वेतन को लेकर के सुनवाई होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट में भी बिहार टेट अभ्यर्थियों ने, जो पटना हाईकोर्ट में गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स एवं इनवैलिड का रिजल्ट जारी है उसको लेकर के केस फाइल किया था, आप देख सकते हैं कि तीसरा बार जज बदला है और फाइनली इस केस की अब सुनवाई होने जा रही है। कल इस केस की, यानी कि 5 सितंबर 2018 को इस केस की सुनवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि अशोक क्रांति जी की तरफ से जो केस की गई थी, इस केस की सुनवाई होने जा रही है। सीरियल नंबर 133 है और जज का नाम है मिस्टर जस्टिस मोहित कुमार शाह। इस केस को अब देख रहे हैं, जया मोहित शाह इस केस को देखेंगे और सीरियल नंबर 133 है। कल इस केस की सुनवाई होने जा रही है। आप यहां पे डेट भी देख सकते हैं, 5/9/2018, यानी कि 5 सितंबर 2018 को इस केस की सुनवाई होने जा रही है। आप सब देख सकते हैं कि जज के बदलते ही इस केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है। आप सभी अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट केस नंबर CWJC 1504/2018, आप इसे पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अच्छी खबर है बिहार टेट में असफल अभ्यर्थियों के लिए। फाइनली अब फैसला का इंतजार है कि गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस को लेकर के सुनवाई नहीं हो रही थी। अब फाइनली सुनवाई कल होना है, यानी कि 5 सितंबर को सुनवाई होना है। अब देखना यह है कि क्या हो पाता है। तो दोस्तों, अब तक अपडेट बस इतना ही। थैंक यू।